बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिहार के सभी जिले प्रखंड कस्बों में चुनावी प्रत्याशियों के नामांकन की होड़ लगी हुई है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड में अपना नामांकन दाखिल कर नौरंगिया माधोपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अमरजीत कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ काफी उत्साहित दिखे। हमारे चैनल से रूबरू होते हुए अपनी जीत का दावा किए और साथ ही साथ कहा कि अगर जनता मौका देती है तो पंचायत में नल जल सड़क और जल निकासी के साथ साथ पंचायत स्तर से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हर पल जनता के साथ खड़े मिलेंगे। आइए जानते हैं कि क्या कहना है नौरंगिया माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अमरजीत सिंह का। मैं विवेक अभी मौजूद हूँ मधुबन प्रखंड के परिसर में और यहाँ आपको बता दूं कि अभी नामांकन करके बाहर निकले हैं नौरंगिया माधोपुर पंचायत के युवा प्रत्याशी अमरजीत सिंह और इनका मानना है कि ये इस बार युवा हैं और इस बार पंचायत में एक बेहतरीन जीत हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ सवाल इनसे करेंगे, उससे पहले इनको बधाई देते हैं कि ये अभी नामांकन पर्चा दाखिल करके आए हैं और ये क्या सोचा ये भी जानेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आनंद भारत। थैंक यू सर। ये बताइए कि आप युवा हैं और युवा राजनीति से कन्नी काटता, कहता कि नहीं मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर आपने क्या सोचा कि आप राजनीति में आ गए? हाँ, बल्कि होता क्या है ना कि हम युवाओं में एक अपना एक अलग उमंग है। सब लोग पढ़ते लिखते हैं और सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े और कहीं नौकरी चाकरी करे, मतलब लाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वो मेंटेन करे। लेकिन हम युवाओं को कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ के अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मेरा अपना एक अलग सोच था और शुरू से मेरा लगाव रहा है कि मैं समाज के साथ रहना चाहता हूँ। बड़ा बड़ा मन लगता है लोगों के बीच और समाज का ही देन था कि समाज के लोगों ने फोर्स किया कि आप उधर आप अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे समाज से हो, तो आप एक बड़ा हो और इधर समाज को आप मौका दो। इसलिए मैंने नहीं, एक चीज़ ये भी जानेंगे कि आप पंचायत के लोगों में आपने क्या उम्मीद दिखाया या क्या उम्मीद लेकर के आए। लोग आखिर सोचते हैं ना कि पंचायत में युवा आ रहा है, युवा चेहरा आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं की सरकार बनने वाली है। तो सवाल है कि सरकार में आप खड़े हो रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, तो एक ही सवाल का जवाब दें कि पंचायत में क्या क्या सोच लेकर के आए हैं और क्या करने का प्लान करते हैं। बिल्कुल, हमारा जो सोच होगा वो इतना, ये मेरा अपना एक अपना पर्सनल सोच है कि अगर ये समाज हमको मौका देती है तो जो मेरा काम करने का तरीका वो औरों से बिल्कुल अलग होगा। जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हर जगह करप्शन है, किसी भी टेबल के नीचे से जब तक आप कुछ मिठाई नहीं खिलाएंगे कुछ होना संभव नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए पंचायत में? सबसे पहले जीतने के बाद किस काम पर फोकस आपका होगा, ये काम हमको करना है? देखिए, गरीबों का जो हक है उसके लिए लड़ूंगा। दूसरा चीज़ है कि जैसे इंदिरावास है उसमें बहुत सारे करप्शन हैं सब, हर अगर गरीब उतना अगर पैसा देने लायक होता तो वो घर अपना खुद का भी बना सकते थे वो लोग। लेकिन क्या होता है कि भाई 25,000-30,000 उनको देना पड़ता है घर बनाने से पहले। उसके बाद है कि मनरेगा का जो भी फंडिंग होता है वो, उसमें तो इतना ज़्यादा करप्शन है कि आप मतलब अनएक्सपेक्टेड करप्शन है वहाँ, आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। तो जो मनरेगा का जो भी चल रहा है इसमें हम लोग सुधार करेंगे। दूसरा चीज़ है कि पंचायती स्तर पे किसी भी लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो ब्लॉक में इतना परेशान होना पड़ता है, वो 5 बार दौड़ते हैं एक ही चीज़ के लिए। यानी कहने का अर्थ है कि अब युवा जोश के साथ आए और युवा जोश में काम करेंगे और पंचायत की समस्याओं को दूर करेंगे। हालांकि अभी नामांकन देकर निकले हैं, पीछे समर्थकों का भीड़ है, अगल बगल में भीड़ है, लेकिन फिर इनसे आगे बात करेंगे, इनसे और आगे चर्चा भी करेंगे। देखते रहिए आर9 भारत। आर9 भारत के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट।